हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे जनपद पीलीभीत में शिक्षण संग्रह मॉड्यूल्स पर ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, तो हम लोग देखेंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनके आंसर्स भी देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से आए हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 4, 8, 6, 5। तो इसका सही आंसर है 6। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश स्तर पर बच्चों के लर्निंग आउटकम संप्राप्ति को स्तर मापने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा कौन सी है? ऑप्शन है CLAT, SAT, NAS, DCF। तो इसका सही आंसर है SAT, सेट। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की अंतर वस्तुएं क्या हैं? ऑप्शन है उपयोगी TLM एवं नवाचार, शिक्षण योजनाएं, समय सारणी एवं शिक्षक डायरी, लर्निंग आउटकम की सूची एवं प्रार्थना स्थल पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियां, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? ऑप्शन है भौतिक संसाधन, अवस्थापना सुविधाएं, मानवीय संसाधन, कक्षा कक्ष में प्रिंट रिच वातावरण। तो इसका सही आंसर है मानवीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल्स के अनुसार शिक्षण योजना के शिक्षण के प्रारंभ में प्रथम 5 मिनट शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आदर्श वाचन एवं विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण, गृह कार्य पर चर्चा, सस्वर वाचन एवं विद्यार्थियों द्वारा प्रश्नकाल, लर्निंग आउटकम से संबंधित बातचीत एवं रोचक प्रस्तावना। इसका सही आंसर है लर्निंग आउटकम से संबंधित बातचीत एवं रोचक प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, PT एवं योगाभ्यास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त समय है? ऑप्शन है जब पढ़ाने की इच्छा ना हो, मध्याविकास के उपरांत, प्रातःकालीन सभा के उपरांत, सांध्यकालीन सभा के दौरान। तो इसका सही आंसर है सांध्यकालीन सभा के दौरान। अगला क्वेश्चन है, बाला का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है बेसिक लर्निंग असेसमेंट, बेसिक लैंग्वेज एलोकेशन, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना? ऑप्शन है 2009, 2005, 1995, 2008। तो इसका सही आंसर है 2009। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब अस्तित्व में आई? ऑप्शन है 2005, 2006, 2007, 2008। तो इसका सही आंसर है 2005। अगला क्वेश्चन है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया और शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है पुस्तकों पर, कार्ययोजना पर, शिक्षण योजना पर, पुस्तकालय पर। तो इसका सही आंसर है शिक्षण योजना पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण योजनाओं में लर्निंग आउटकम को किस रूप में लिया गया है? ऑप्शन है संरेख बिंदु के रूप में, संपाती बिंदु के रूप में, केंद्र बिंदु के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है केंद्र बिंदु के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्देश अनुपालन की गतिविधि है? ऑप्शन है आंखें बंद करो, ताली बजाओ, छत की ओर देखो, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आंखें खुली हो या हो बंद, गतिविधि भाषा के किस कौशल विकास से संबंधित है? ऑप्शन है लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो इसका सही आंसर है सुनना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं था? ऑप्शन है दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, धर्म के प्रति जागरूकता, विचार और कर्म की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी। तो इसका सही आंसर है धर्म के प्रति जागरूकता।
अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21A कब सम्मिलित किया गया? 2002, 2003, 2001 और 2004। तो इसका सही आंसर है 2002। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक डायरी में कितने भाग होते हैं? ऑप्शन है 2, 5, 3, 4। तो इसका सही आंसर है 5। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में शैक्षणिक गतिविधियों और समय सारणी का वर्णन कहाँ पर है? ऑप्शन है भाग 6 में, भाग 4 में, भाग 3 में और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भाग 6 में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल्स में कुल कितने प्रकार के नेतृत्व बताए गए हैं? ऑप्शन है 4, 3, 5, 2। इसका सही उत्तर है 3। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक डायरी में शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण के लिए कितनी प्रतियां होंगी? ऑप्शन है 50, 100, 20, 10। तो इसका सही आंसर है 50। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों के प्रमुख अधिगम परिणामों को किसने विकसित किया? ऑप्शन है NCERT नई दिल्ली, NCTE, SCERT लखनऊ, परीक्षा नियामक प्राधिकरण प्रयागराज। तो इसका सही ऑप्शन है NCERT नई दिल्ली।